हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी एक ऐसी अपडेट आपके लिए लेकर आए, सहारा रिफंड पोर्टल स्टेटस चेक। अगर आप भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं और आपने भी CRCS पोर्टल पर पैसा रिफंड पाने के लिए एप्लीकेशन किया है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आप यह चेक करना चाहते हैं कि आपका सहारा रिफंड का पैसा आया कि नहीं, तो हम आप सभी को यहां पर बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपका सहारा इंडिया रिफंड का पैसा वापस आया कि नहीं। आपको इसके लिए अपने साथ अपना बैंक खाता संख्या, बैंक के लिंक मोबाइल नंबर को साथ में रखना होगा, जिससे आप आसानी से सहारा रिफंड पोर्टल स्टेटस चेक कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड मिलना शुरू, घर बैठे चेक करें आपको पैसा मिला या नहीं। अब आसानी इस तरीके से आप आसानी से देख सकते हैं। आप सहारा इंडिया के निवेशक अपने रिफंड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं और अगर आपको सहारा इंडिया की तरफ से SMS मिला है तो आपको जल्द से जल्द अपने बैंक खाते के पासबुक को अपडेट करना चाहिए। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके सहारा इंडिया का पैसा वापस मिला या नहीं। नंबर दो, अगर आप सभी निवेशक UPI का इस्तेमाल करते हैं तो आप घर बैठे अपने UPI ऐप की मदद से सीधे अपने अकाउंट बैलेंस को चेक कर सकते हैं, अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप यह पता कर सकते हैं कि आपको सहारा इंडिया का पैसा रिफंड हुआ या नहीं। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आप रिफंड चेक कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं सहारा इंडिया की है। अगर सारा रिफंड इंडिया के सारा रिफंड के लिए नहीं किया आवेदन तो आज ही ऐसे करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको तरीका बताया गया, अगर सारा इंडिया रिफंड के लिए नहीं किया आवेदन तो आज ही ऐसे करें, क्योंकि पोर्टल चालू है। सबसे पहले आप सभी निवेशकों को इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने इसका होम पेज खुलकर आ जाएगा, जो इस प्रकार होगा। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल होम पेज पर आने के बाद आपको क्लिक ऑन डिस्परेंस रजिस्ट्रेशन का ओपनिंग मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलकर आएगा। अब यहाँ पर आपकी मांगी जाने वाली जानकारियों को दर्ज करना होगा और प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ आप अपने OTP वेरिफिकेशन करना होगा, प्रोसेस के ऑप्शन के क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन एंड पासवर्ड मिल जाएगा, जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा। पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद आपको होम पेज पर जाना होगा। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लॉगिन पर ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ी आज की ताज़ा जानकारी। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।